दोस्तों आज है ईद और ईद की बहुत बहुत सबको मुबारकबाद। मैं जुबानी टास्क की तरफ से सबको मुबारकबाद देता हूँ। ईद की भाईचारे का त्यौहार है, गंगा जमुनी तहजीब की जो जीती जागती मिसाल है। इसको हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे पूर्वजों ने इसे सजोया है, इस विरासत को हम संभाल करके रखेंगे और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। अब आगे हम बात करते हैं कि यार सफल आज के टाइम पर कौन नहीं होना चाहता है। हर बंदा चाहता है कि मैं सफल हूँ। सफल होने के बाद में आप क्या समझते हैं कि आपकी जर्नी कंप्लीट हो गई? जी नहीं दोस्तों, कहीं नहीं कंप्लीट हुई है। सफलता का मतलब आपने जो चखा है ना, जो स्वाद आपने चखा है, वो आपका अपना पुरुषार्थ है, आपकी अपनी मेहनत है, ठीक है ना। अब मैं इसको इन द सेंस अगर जेंडर के लिहाज से डिवाइड करूं तो जेंडर के लिहाज से आज समझिए कि आज के युग में जो नारी पहले चूल्हा चौके का काम करती थी, केवल घरों तक पर्दे तक सीमित रहती थी, आज वो भी बाहर निकल करके काम कर रही हैं, वो भी सफलता की पीक पर पहुंच रही हैं। बट सवाल ये उठता है, क्या आपने सफलता का स्वाद चखने के बाद में, सफलता का स्वाद चखने के बाद में आप अपनी खुद की अर्निंग करने लगे, टेंशन फ्री हो गए, आप अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए सफल हो गए हैं, या आप अपने समाज का कुछ काम करना शुरू कर दिए हैं? तो सही मायने में आप हो गए हैं, सक्सेस हो गए हैं, बट क्या ये आपकी पूरी सफलता है? जी हाँ, आज की चर्चा का विषय यही है कि सफलता आधी मैराथन और निवेश पूरी यात्रा है। इसको मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कैसे। सफलता अधूरी मैराथन है। अधूरी मैराथन मीन्स मैराथन, आप ये समझिए, मैराथन वो रेस होती है जिसमें हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है, किसी भी उम्र का, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, महिला हों, पुरुष हों, ठीक है ना, सारे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मैराथन आपको पता है यूनान से निकला हुआ एक ट्रेडिशन है, रीति रिवाज है, जो कि आज की हर जगह पर मैराथन लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो आपकी जो सक्सेस है, आपने क्या किया, उस भीड़ में निकल करके आपने उस मैराथन के लिए पार्टिसिपेट करा खुद को, और आपने वहां पर अपने आप को इस्टेब्लिश करा है, लेकिन वो क्या है, आपका अधूरा है। देखिए दोस्तों, ये मत भूलिए कि आदमी जब तक खुद अपने दोनों हाथों से काम करता है ना, तब तक वो अकेला काम करता है। अकेला काम वो तब तक करता है कि जब तक वो काम करेगा तब तक ही उसकी बात बनेगी। जिस दिन उसने काम करना बंद कर दिया, उस दिन क्या हुआ, उसकी सफलता वहीं की वहीं, उसकी जर्नी वहीं की वहीं रह गई। बट इसका उपाय क्या है, इसका अल्टरनेट उपाय है, या तो आप उस सक्सेस के साथ साथ अपना ओन बिजनेस शुरू करें। अब ओन बिजनेस शुरू करने के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको हैवी फंड चाहिए, और आपको उसका स्किल भी चाहिए, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों को अगर आप कर लेते हैं तो भी आप सही मायने में सक्सेस हैं। अगर उसको आप नहीं कर पा रहे हैं तो, अब क्योंकि हम तो काम कर रहे हैं, हमें बाकी भी जिम्मेदारियां निभानी है, तो हमने क्या करना है, दूसरा ऑप्शन बचता है निवेश। तो निवेश की जर्नी अगर आप शुरू कर देते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप एक पार्टिसिपेंट बन जाते हैं, भागीदार बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका कतई मतलब नहीं है कि मैं आपको किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने की सलाह दे रहा हूं, क्यों, क्योंकि उसके भी एक्सपर्टाइज हम नहीं है। लेकिन आज के टाइम पर मॉडर्न जमाने में, टेक्नोलॉजी के जमाने में, ऐसा तो हम कर ही सकते हैं कि जो कि एक ऑप्शन है आपका, किस चीज का है, यह है म्यूचुअल फंड का, ठीक है ना। म्यूचुअल फंड मीन्स इक्विटी का सहारा हमें लेना ही पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब यह है, इक्विटी को दो सहारे से आप जानते हैं, आप जा सकते हैं तो डायरेक्ट शेयर के सहारे से जा सकते हैं, तो म्यूचुअल फंड के सहारे से जाते हैं। म्यूचुअल फंड के सहारे से मैं क्यों रिकमेंड करता हूं, या कोई भी समझदार आदमी क्यों रिकमेंड करता है, क्योंकि आप में एक चंद सी फीस पर हायर कर लेते हैं, किसको, एक मैनेजर को हायर कर लेते हैं, जो कि आम वे में आप उसको हायर नहीं कर सकते हो। लेकिन सब लोग म्यूचुअली लग करके जब उसको हायर करते हैं, उस एमसी के पार्टिसिपेंट बनते हैं, उसके भागीदार बनते हैं पर्टिकुलर उसके, तो उसके जो भी फंड्स उसने सेलेक्ट करे हुए हैं, उसके जिस भी रेशियो या प्रपोर्शन में, उसमें आप भी अपनी सहमति जाहिर कर देते हैं और अपना मैंडेट दे देते हैं अपने बैंक को कि यस, मैं फलाने फंड में फलानी चीजें इतना निवेशित करना चाहता हूं। लेकिन आपकी यात्रा यहीं पर ही पूरी नहीं हो रही है। यहां पर आपने क्या किया है, 50% आधी मैराथन आपने जिंदगी की सक्सेस की जो भी होती है ना, वो आपने कब कर लिया, जब आप सफलता की तरफ बढ़े, जब आपने अपनी खुद की अर्निंग स्टार्ट कर दिया, कुछ भी हो, छोटी अर्निंग हो, बड़ी अर्निंग हो, जब आपने स्टार्ट कर दिया तो आप समझिए आपने अधूरी मैराथन आपने कंप्लीट कर दिया। उसको जब आपने निवेश को स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद में आपने क्या करा है, उस यात्रा की तरफ आपने अपने परसेंटेज को इंक्रीज कर दिया है। अगला परसेंटेज आपको तब ये फुलफिल करेगा जब आपने अपने सारे टारगेट, सारे गोल आपने कंप्लीट कर दिए हैं,
सारे टारगेट सारे गोल कंप्लीट करके और आपने 1 2 3 4 5 पांच फंड आपने सेलेक्ट कर दिए हैं, ठीक है ना। पांच फंड सेलेक्ट करने के बाद में, पांच फंड सेलेक्ट करने से क्या हुआ, ये आपका टोटली डाइवर्सिफाई हो गया, क्योंकि इसके इंडाइसेस अलग हो गए, लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, उसके बाद में आपका खिचड़ी टाइप का हो गया, फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप हो गया, या उससे रिलेटेड हाइब्रिड वगैरह हो गया, और प्लस आपका कितना पोर्शन इक्विटी में जाना वो भी आपने समझ लिया, रिस्क आपने मैनेज कर लिया, तो अगला आपने क्या करना है, फिर कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना है, ठीक है ना। फिर आपने कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना है। अब इस कंपाउंडिंग के बेनिफिट को लेने के लिए आपको कई सारी चीजें करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको अपने मन के विश्वास को डेवलप करना पड़ेगा, और उस मन के विश्वास के लिए जो विश्वास जो होता है ना, वो मैं आपको बताऊं दोस्तों, विश्वास कुछ नहीं होता, विश्वास एक मन की स्थिति होता है जो कि स्वतः के सलाह से प्रेरित होती है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप निवेशित रहना चाह रहे हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना लेवल हाई होना चाहिए, क्यों, क्योंकि आपकी बटुए में क्या है, पैसा है, बटुए मींस आपका जो ई वायलेट है उसमें पैसा है। उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, अगर समझ में आ रही हैं तो समझिए कि आप जितने से भी स्टार्ट कर रहे हो ना, उसको आप ग्रो ही करोगे, कमुलेट ही करोगे, ठीक है ना। अपने पर विश्वास रखो और मन पर विश्वास रखो, अपने आप पर तो विश्वास ही करो और मन पर भी विश्वास करो। विश्वास तो समस्त धन संचय का प्रारंभिक बिंदु है, ये आप नोट कर लीजिए। आपका जो विश्वास है ना, वही आपको लेकर के जाता है, क्यों, क्योंकि एक बात मैं आपको एक कोट जरूर आपको बताना चाहूंगा, जो सक्सेसफुल आदमी होता है ना, वो हमेशा अपने डिसीजन पर पश्चाताप नहीं करता है। एक तो वो अपने विवेक के अनुसार राइट डिसीजन लेने की कोशिश करता है, और वो हमेशा जो उसने निर्णय ले लिया है, एक बार तो पहली बात तो क्या है कि कसौटी पर खरे उतर करके, अगर आप जुगानी टास्क के व्यूअर सब्सक्राइबर हैं तो कसौटी पर खरे उतर करके बेशक थोड़ा सा टाइम लें तब आप डिसीजन लें, और एक बार आपने जो डिसीजन ले लिया ना, उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको सही करने के लिए पूरा जी जान लगा दें कि यस हमने अगर सोच करके डिसीजन लिया है तो ये सोच करके डिसीजन लिया है, फिर आपका देखिए अपना कॉन्फिडेंस, फिर देखिए अपना विश्वास, फिर देखिए ये। तो आज ईद की बेला पर आपका अधूरी मैराथन के साथ साथ कंप्लीट मैराथन मैंने कंप्लीट करने के लिए आपको बताया है। अगर आपने कंपाउंडिंग के इफेक्ट को समझ लिया ना दोस्तों, और निवेश की ताकत को आपने समझ लिया ना, तो फिर तो आपको कौन रोक सकता है, आप बताइए, कमा तो आप खुद रहेंगे। और जिस दिन आपने कर दिया अपने घर का भला, अपना खुद का भला, और फिर जैसे ही बाहर निकलेंगे तो जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही आप लोग समाज का भी भला करेंगे। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों रिवार्ड जरूर करना है, और कंधे से कंधा अगर मिलाया हो तो आगे बढ़ना है, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना है। शुक्रिया।